आज हम बनाने जा रहे हैं गट्टे की सब्जी। ये बड़ी ही टेस्टी लगती है। इसके लिए हम बर्तन में एक कटोरी बेसन, चुटकी भर अजवाइन, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, जीरा चुटकी भर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच तेल मोयन के लिए डालते हैं। हम आटे को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम टाइट आटे की तरह गूंथ लेते हैं। एक तरफ कढ़ाई में पानी को उबलने के लिए गैस पे रख देते हैं। अब हमारे गट्टे बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे पानी में एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे और चम्मच से थोड़ा सा हिला देंगे जिससे पानी में वो चिपके नहीं और अलग अलग हो जाए। अब गट्टों को 15 मिनट के लिए उबलने के लिए गैस पे रख देते हैं और इन्हें उबलने देते हैं। अब गट्टे उबल के तैयार हो गए और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देते हैं। अब उबला हुआ पानी भी इसी गट्टों में हम डाल देते हैं, जो वापस सब्जी के अंदर यही उबला हुआ पानी वापस डाल दें। अब हम गैस चालू करके अब कढ़ाई रखते हैं और इसमें तेल डाल देते हैं। अब तेल को गर्म होने देते हैं, फिर इसमें डालते हैं राई आधा चम्मच, फिर आधा चम्मच जीरा, फिर कड़ी पत्ते, फिर हरी मिर्ची कटी हुई और कटे हुए प्याज डाल देते हैं। अब इनको अच्छी तरह से पकने देते हैं। अब इसमें लहसुन डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डालते हैं नमक आधा चम्मच, स्वाद अनुसार डाल सकते हैं आप, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची, एक चम्मच धनिया पाउडर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और थोड़ी देर पकने देते हैं। आधा चम्मच थोड़ा पानी भी डाल देते हैं जिससे मसाला जले नहीं, और इसको पकने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। अब ये मसाला पक गया, इसमें एक कटोरी दही डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसको मिक्स करके अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे जिससे कि दही फटे नहीं। इसको थोड़ी देर धीरे धीरे हिलाते ही रहना है जिससे वो दही फटे नहीं और अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए, और फिर धीमी आंच पर थोड़ी देर पकने दें।
अब मसाला पक के तैयार हो गया है। अब इसमें हम गट्टे डाल देते हैं और गट्टे डाल के थोड़ा वो उबला हुआ पानी भी डाल देते हैं, जिससे गट्टे पकने लग जाए और अच्छी तरह थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए गट्टों के अंदर। 10 मिनट तक गट्टों को अच्छी तरह से उबलने देंगे। इसमें उबाल आ जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे। अब गट्टों में उबाल आ गया है और हम थोड़ा सा पुदीना, सूखा हुआ पुदीना क्रश करके डाल देंगे, जिससे अच्छा टेस्ट आता है गट्टों के अंदर। अब हमारे गट्टे बनके तैयार हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और गट्टों को एक बर्तन में निकाल देते हैं। अब ये गट्टे बड़े टेस्टी बने हैं और दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं। गट्टे राजस्थानी रेसिपी है और ये सभी लोगों को पसंद आते हैं। It's caught in the crossfire.